आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से, और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही, पहली मीटिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। और जल्दी सभी देशवासियों की जो ख्वाहिश है, सपना है, नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले, और इसमें इसके बारे में आज चर्चा विचार विमर्श होगा। और हमें खुशी है कि यहाँ पर पूरे देशवासियों ने विपक्ष के सभी जो जो हथकंडे थे उसको नाकाम कर दिया, और मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ बोलने वाले को हटा दिया, और पूरे देशवासियों ने पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, और हम सब लोग शिवसेना पार्टी के साथ, हमारी सभी गठबंधन आदरणीय मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा, उनके हाथ मजबूत करेगा। जो 10 साल में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, उसे और 5 साल का मौका मिला है, ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि देश का विकास उन्होंने 10 साल में जो किया है वो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं। और 5 साल का जो मौका मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री होने का मौका मोदी जी को मिला है, ऐतिहासिक क्षण होगा, और इसलिए आज की बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, अगोदर सर्वात प्रथम आमचा उद्देश्य असा आहे की मोदी जींना प्रधानमंत्री बनवायचं, तो उद्देश्य अगोदर सर्वात प्रथम आमचा उद्देश्य असा आहे की मोदीजींना प्रधानमंत्री बनवायचं, तो उद्देश्य आता सफल होताना दिसतोय, आणि शिवसेना पक्ष अतिशय आनंदित आहे। पहिले तो हमारा मकसद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना। महाराष्ट्र की सरकार स्थापित हुई ना, तभी पहले दिन से बोल रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार जब स्थापित हुई तब पहले दिन से बोल रहे थे कि सरकार आज गिरेगी, कल गिरेगी, परसों गिरेगी, सही ज्योतिष उनको नहीं मिला अभी तक, और इसलिए आज विपक्ष फेल हो चुका है। विपक्ष पूरी तरह, जनता ने उसको उसकी जगह दे दी है, दिखा दी है। कई लोग तो मोदी जी को कहते थे तड़ी पार करो, तो जनता ने उनको सत्ता से रोककर तड़ी पार कर दिया है। तर दिल्लीमध्ये मोठ्या घडामोडी घडतात, आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा एनडीएचे नेते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवडलं गेलेलं आहे, आणि महाराष्ट्रातलं सरकार सुद्धा लोकसभेच्या निकालानंतरही स्थिरच असेल, सरकारला कोणताही धोका नाही असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय। परंतु एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेले 5 ते 6 आमदार ठाकरे गटाच्या संपर्कात असल्याची माहिती मिळते, पण हा आकडा कदाचित वाढू शकतो, तो मोठा होऊ शकतो असं सचिन अहिर आपल्याला सांगत होते। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।